असावती से गोविंद सिंह परिहार की एक रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आने से नेताओं की आहट आना शुरू हो गई। 5 साल से गायब रहे नेता आने लगे। गाँव में किसानों को लुभाने व भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलो गांव की ओर किसानों से सुझाव लेने के लिए बुधवार को सुवासरा के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार ने ग्राम देवरी हरिपुरा असावती व गाक्सी में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों से चर्चा कर विचार विमर्श किए। किसानों ने कहा कि जो व्यक्ति समय पर बिजली बिल व बैंक सोसाइटी जमा करते हैं उन्हें छूट दी जाएगी। कृषि पंपों के लिए 10 घंटे से बढ़ाकर बिजली 15 घंटे दी जाएगी। फसलों के निर्धारित दामों से कम भाव पर व्यापारी नहीं खरीदे वह सही दाम किसानों को दिलाए। साथ ही जो फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी होती है उसे फसल आते ही जल्द खरीदी जाए ताकि किसानों के समय पर लेन देन हो सके। राधेश्याम पाटीदार पूर्व विधायक लक्ष्मीनारायण असावती पुरावन सोसाइटी अध्यक्ष रोड सिंह पुरावन जिला पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा डालूराम शर्मा मंडल महामंत्री विजय मालवी पूर्व जनपद सदस्य युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य सुधान सिंह नेपाल सिंह सहित नगर के किसान जन उपस्थित रहे। ये नौजवान लोगों को नहीं मालूम जब 15 साल में शायद अभी भी संकट भूल गया तो अभी भी भूलवा लग गया थे, इसलिए वो दिन इसलिए याद करा रहे ताकि वो दिन याद रहेंगे तो हम निश्चित रूप से आज शिवराज जी की सरकार को एक संबल हम दे पाएंगे। आज जो मूल कार्यक्रम है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किसान चौपाल लगाई। हम हर गांव में जा रहे हैं। अभी तक पार्टी का घोषणा पत्र भोपाल में बैठकर बनता था। वहां जो व्यक्ति बैठकर बनाते थे वो उन व्यक्तियों का जितना दिमाग चलता।